नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रतिशत को लेकर एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या राज्य आरक्षण के 50 फीसदी की सीमा को पार कर सकता है। आरक्षण को लेकर 50 फीसदी की सीमा को सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा देश में इंदिरा साहनी बनाम संध सन 1992 के मामले में निर्धारित किया गया था। अब एक बार फिर से आरक्षण के ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने यह मुद्दा फिर उठेगा, जिसमें कम से कम 11 न्यायाधीश होंगे। महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SEBC एक्ट 2018 लाया गया है। इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2019 में कई याचिकाएं भी डाली गई थी। राज्य द्वारा मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में राज्य में 16% आरक्षण देने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षा में 12% और सरकारी नौकरी में 13% मराठा कोटे की संवैधानिक वैधता को बरकरार किया। साथ ही यह भी फैसला सुनाया कि कुछ मामलों में राज्य आरक्षण के 50% की निर्धारित फैसले को पार कर सकते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले से नाखुश याचिकाकर्ताओं ने अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन नए अधिनियमों के साथ ही महाराष्ट्र में कुल आरक्षण फीसदी अब 75% है। इनमें से अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, अन्य पिछड़ा वर्ग 19%, विशेष पिछड़ा वर्ग 2%, विमुक्त जाति 3%, धुमंतु जनजाति बी 2.5%, धुमक्कड़ जनजाति सी, घनघर 3.5%, घुमक्कड़ जनजाति डी, वंजारी 2%, इन सभी को मिलाकर 52% का आरक्षण राज्य में पहले से ही था। अब इसमें 13% SEBC एक्ट 2018 के तहत आरक्षण दिया गया, जिससे राज्य में कुल 65% आरक्षण हो गया है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण दिया गया, जिससे राज्य में कुल आरक्षण फीसदी 75% हो गई है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार मराठा वोट बैंक को लेकर काफी दबाव में रहती है। राज्य में मराठा लोगों की आबादी 32% की है, जो कि किसी भी सरकार को जिताने में एक अहम भूमिका निभाती है। राज्य में अब कुल 19% मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें से 11 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से रहे हैं। मराठा क्रांति मोर्चा ने 2016-17 में 20 से भी ज्यादा आंदोलन राज्य में मराठाओं के आरक्षण को लेकर किए थे। इस समय राज्य में NCP, कांग्रेस और शिवसेना पार्टी की गठबंधन वाली सरकार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद इस आरक्षण के समर्थन में है। ऐसे में इस अधिनियम का विरोध करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसको लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी अब दूसरे समुदाय के लोगों को अपने खेमे में शामिल करने के लिए लग चुकी है। इसी के साथ सवाल यह भी उठता है कि क्या देश की प्रगति सिर्फ आरक्षण देकर ही हो सकती है? क्या आरक्षण के बिना किसी का भी विकास संभव नहीं है? इसका जवाब आप जरूर दें हमें इस वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में जाकर। इसी के साथ मराठा आरक्षण को लेकर इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए मीडिया दरबार के साथ, क्योंकि हम आपको देते हैं दमदार खबर हर बार। धन्यवाद।